नमस्कार, मैं साक्षी श्रीवास्तव नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से, और इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के ऋषि सिंह के घर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ऋषि सिंह का घर है, और इस वक्त हमारे साथ ऋषि के मोहल्ले के कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा उत्साह में हैं। इंडियन आइडल सीज़न 13 के विनर हैं ऋषि सिंह। आइए जानते हैं कि उनके मोहल्ले वाले कितने ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं इस वक्त। इंडियन आइडल के विजेता के रूप में हमारा बेटा, हमारा लाल, इस अयोध्या की धरती से का नाम पूरे प्रदेश और देश में छाप संगीत जगत में छोड़ा है, जिसके वजह से हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरा अयोध्या जनपद, पूरा प्रदेश, पूरा जिला, गरीब का बेटा भी सपना देख सकता है। गरीब के बेटे को भी संगीत जगत में वो मुकाम, वो स्थान इंडियन आइडियल ने दिया है, जिसके वजह से वो आज भारत की उस प्रतिस्पर्धा में, उस कंपटीशन में उसने कंपटीशन जीता है, जहां पर लोग अपने आप को एक सपना देखते हैं कि हम भी उस भारत के उस प्लेटफार्म पर पहुंचें जहां पर हमको भी मौका मिले, जिसमें देश में हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम, हमारे पिता का नाम गौरवान्वित हो सके। ऋषि बचपन से यहाँ पे खेला कूदा, उसकी कोई ऐसी बात जो आप लोग हमें बताना चाहते हो? आज ऋषि सिंह का मैं इतिहास बताना चाहता हूँ। वो बेटा अनाथ था, उस अनाथ बेटे ने को छत्र छाया उनके माता पिता ने दिया, उन माता पिताओं ने उसको पढ़ाया लिखाया और उसको वो मुकाम दिया, जिसके वजह से आज इंडियन आइडियल तक वो पहुंचा है। इस मोहल्ले में अकेले दम पर, बिना कोई भी, उसके पास सुविधा नहीं थी, उसके पास कोई भी इस तरीके का कोई, उसने ट्रेनिंग नहीं लिया है, और उस ट्रेनिंग ना लेने के बाद इंडियन आइडियल तक के मंच पर पहुंचना, ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है। अब अयोध्या में जब ऋषि सिंह आएंगे तो आप लोग किस तरीके का आयोजन करेंगे उनके साथ? जैसे भगवान राम इस धरती पर जब आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, उसी तरीके से हम लोग वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की सोच जरूर डेवलप कर सकते हैं। उस अयोध्या को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाते हुए भव्य स्वागत का तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, और जब तक वो यहां आएंगे एक नया अध्याय का शुरुआत और एक नए दुनिया का साकार करते हुए हम लोग संगीत जगत में उन लोगों को देखना चाहते हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोग उनको उस सम्मान से नवाजें। आप बहुत देर से बहुत भावुक दिख रहे हैं, आप क्या कहना चाहती हैं ऋषि सिंह के लिए कि कैसा लग रहा है कि इंडियन आइडल इतना बड़ा मुकाम उसने हासिल किया है? बचपन से हम लोग ने पाला पोसा, बड़ा किया, आज बच्चा यहाँ तक पहुँचा है इंडियन आइडल में, और बहुत उत्सुक हैं। यहाँ का जैसे भगवान श्री राम आते हैं, दीपावली मनाई जाती है, वैसे हम लोग खूब मनाएंगे, सजाएंगे, वैसे जैसे राम को मनाया जाता है, जैसे दीपावली मनाई जाती है, वैसे बच्चे का स्वागत करेंगे, फूलों से, हारों से स्वागत किया जाएगा, ढोल मजीरा से, हर चीज़ से स्वागत किया जाएगा। और तो नीरज जायसवाल ने कुछ जो बोलना था वो तो बोली थी, हम लोग उतना बोलने में वो है। बहुत खुशी की बात है, ऋषि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, जितना उसका गुणगान करें उतना ही कम है, उसका शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतनी खुशी हो रही है कि आज इस मुकाम पर पहुँचा हुआ है, और आगे ही बच्चे पहुंचते रहें, सबका ही भगवान नाम रोशन करे, प्रभु श्री राम की नगरी का बच्चा है और आगे बढ़ता जाए, बस यही सब कहना है। मीना देवी जयसवाल, इनसे बुलवाइए। आप ऋषि के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ऋषि को अप्रिशिएट करना चाहेंगे, उसके इस जो उसने ये मुकाम हासिल किया, उसको हम तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उसने अपना नाम तो रोशन किया ही, उसके साथ साथ इस मोहल्ले का, हम लोगों का नाम भी उसने रोशन किया, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है कि अपने मोहल्ले का बच्चा इतनी ऊंची जगह पे, इतने ऊंचे इंडियन आइडल के मंच पे उसने अपना नाम रोशन करते हुए इस अयोध्या का भी नाम रोशन किया, और उसको हम लोग चाहेंगे कि और आगे से आगे वो बढ़ता जाए, हम लोगों का आशीर्वाद और प्रेम उसके साथ। अयोध्या से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए साक्षी श्रीवास्तव।